आप सभी का यंग टिंकर टॉक्स में स्वागत है। और इस बार यंग टिंकर टॉक्स में हमारे साथ हैं ऋषिकेश अमित नायक। ऋषिकेश हमारा यंग टिंकर के एलुमनस हैं और बहुत सारे अचीवमेंट्स ये सिर्फ और सिर्फ यंग टिंकर के लिए नहीं, देश के लिए भी लेके आ चुके हैं। ऋषिकेश टीम कैप्टन थे, वो टीम में जो नासा रोवर चैलेंज में गई और वर्ल्ड रैंक 3 लेके आई। इंडिया की पहली अंडर 19 टीम थी जिसने ये करके दिखाया। उसके बाद अभी ऋषि ने बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे भी काम किया है। इज बीन इनवाइटेड बाय इंटेल एज वेल। इंटेल से इनको ग्रांट भी मिला है जिस पर अब ये प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं। तो यंग टिंकर टॉक्स में हम हर बार बात करते हैं ऐसे चेंज मेकर्स की, एल्यूमिनस की, जो पहले से यंग टिंकर के साथ जुड़े हो चुके हैं और कुछ अच्छा कर रहे हैं अपने जिंदगी में और सोसाइटी के लिए। सो ऋषि, वेलकम टू टिंकर टॉक्स। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। तो ऋषि, अब शुरू करते हैं आपके जर्नी के बारे में। तो ये बताइए कि जो नासा रोवर चैलेंज की बात थी, कैसे कैसे इन सब चीजों में आप इन्वॉल्व हुए, कैसे इन सब चीजों के बारे में पता चला? केम अक्रॉस द वेबसाइट ऑफ नवन मिश्रा फाउंडेशन, बैक देन करेंटली यंग टिंकर एकेडमी, एंड देन गॉट टू नो अबाउट द इवेंट दैट नासा एचईआरसी इज अ इवेंट एंड हाई स्कूल भी उसमें पार्टिसिपेट, हाई स्कूल स्टूडेंट्स कैन पार्टिसिपेट ओवर देयर एंड लेट्स अप्लाई फॉर दैट। सो दिस इज गॉट टू नो अबाउट दैट एंड later on we understood okay, I'm the student lead for the whole team, and later on we go to the representing India over there, and later on promoting to the Indian team captain for the whole team. तो पहले कभी सोचा था कि इस प्रकार से कुछ एक opportunity मिल सकती है, या फिर as a student जब मैं खुद school में हूँ तो ये सारी चीजें कर सकता हूँ? इसके बारे में थोड़ा हमको बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे भी हमारे साथ रहते हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जो इसको आज view कर रहे हैं, तो उनका रहता है कि हम बचपन में जब स्कूल में रहते हैं तो ये सारी चीजें कर सकते हैं कि नहीं। तो वही मैं बस आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको भी पहले कभी लगता था कि यार ऐसी कुछ एक अपॉर्चुनिटी आ सकती है और मेरे को भी ऐसे कुछ मैं कर सकता हूँ? एज अ हाई स्कूल स्टूडेंट कभी नहीं, क्योंकि इंडिया में दीज अपॉर्चुनिटीज आर ओपन फॉर यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट्स एंड अदर ग्रेजुएशन स्टूडेंट्स, बट कमिंग टू हाई स्कूल लेवल ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थे जो सपोर्ट करते हैं ऐसे कॉम्पिटिशन के लिए, बिकॉज it requires high tremendous engineering knowledge and tremendous funds that is not possible in a high school level, jo ki humne unhe possible karke dikha diya through young tiger academy. So wasn't thinking I had ever dreamt of, but now it's possible. So ye ek badi si change hua hai jise rishi bhi aaj bol rahe hain ki yaar ye cheez humne karke dikhaya hai jo pehle kabhi nahi hua hai. Yes. और जब जो पहला जो बंदा रहता है, जो पहली जो टीम रहती है, वो चेंज मेकर की टीम होती है, वो पहला बंदा होता है वो जो दिखाते हैं कि यार ये बात है, इसको हमने कर लिया है, अब आप भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ऑब्वियसली जो हमारी टीम थी वो इंस्पिरेशन बनी। जब ये टीम को बनाई गई, कितने बच्चे थे उस पूरे टीम में, सबके कैसे रोल्स दिए गए थे? क्योंकि ये बड़ी ही फैसिनेटिंग लगता है जब हम लोगों को कहते हैं कि यार 10 बच्चों की टीम थी, हर बच्चों के अलग अलग सेगमेंट थे। तो भी हम, मैं आपसे सुनना चाहूंगा कि कैसे हम लोगों ने 10 स्टूडेंट्स की टीम बनाई, किन किन डोमेन्स में उनको काम कराया, और ये एक्सपीरियंस कैसे उनको उस इवेंट के लिए हेल्प किया, और उसके बाद भी अब जब वो अपने रियल लाइफ में भी हैं तो वो स्किल्स उनको कैसे हेल्प करे। ये जो 10 बच्चे थे, ये उनका फर्स्ट थिंग, दे बिलोंग टू 10 डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ ओडिशा, एंड ये बच्चे उनके बाय क्लास दे बिलोंग फ्रॉम क्लास 9th टिल 12th, एंड इवन आईटीए स्टूडेंट्स वर ओवर देयर, आर डिफरेंट रोल्स एंड सेक्शंस। फॉर एग्जांपल, किसी को हम लोगों ने मैनेजमेंट का काम दे दिया, किसी को देयर आर पीपल हु आर वर्किंग ऑन द रिसर्च रिपोर्ट्स एंड प्रेजेंटेशंस, देयर आर पीपल हु आर हैंडलिंग द फाइनेंसेस फॉर दैट होल टीम, कैसे अपना बजट हैंडल कर सके, देयर आर पीपल दोज आर कम्युनिकेटिंग फॉर स्टेम एंगेजमेंट एक्टिविटीज, there were people who were actually creating the rover, the welders and the fitters, they were the people who actually made the rover. There were students who had the responsibility on themselves to talk with NASA representatives and how we can communicate our presentations to them. So there were like diverse roles and varieties jin logon ne apna daitya acche tarah se nibhaya, and that's how ek bahut hi dhasu si team thi hamare paas. Yes. Koi yahan pe marketing mein laga hai, कोई यहाँ पे ब्रांडिंग में लगा है, कोई यहाँ पे टेक्नोलॉजी में लगा है, कोई यहाँ पे वेल्डिंग में लगा है, कोई स्टेम एंगेजमेंट में लगा है, 10 और बच्चों को सिखा रहा है कैसे करना है, फिर कोई यहाँ पे नासा को प्रेजेंटेशन में देने में लगा है। तो जो 10 बच्चे थे उनको ये डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया और उन लोगों ने बहुत अच्छी तरीके से इसको डिलीवर किया। मतलब
ऐसी यदि टीम और भी बनती है तो अच्छे कंपनीज, अच्छे स्टार्टअप्स आप लोग स्कूल लेवल में भी बना सकते हैं। डेफिनेटली ये पॉसिबल है, ये अभी पॉसिबल हो के दिख रहा है, दिख रहा है, मतलब हम लोग हमने करके दिखाया इसको। तो यदि एक प्रोडक्ट, एक रोवर बना सकते इतनी बड़ी, तो और प्रोडक्ट्स क्यों नहीं बना सकते और क्यों ना बड़ी कंपनी नहीं बना सकते। तो ये अच्छा एक्सपीरियंस है जो स्कूल में भी अब बच्चे लोग अब कर सकते हैं। अब ये पोटेंशियल दिख गया, टू द वी डिलीवर्ड अ मैसेज टू द होल कम्युनिटी दैट अभी हाई स्कूल स्टूडेंट्स भी दे आर नॉट लेसर देन द ग्रेजुएटिंग स्टूडेंट्स एंड दे कैन डिलीवर दोस प्रोडक्ट्स जो वो लोग भी नहीं कर सकते। एंड एक्चुअल पोटेंशियल दिख गया कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को इफ दे आर गिवन अ राइट अपॉर्चुनिटी दे कैन एक्चुअली डिलीवर अ ग्रेट एग्जांपलरी प्रोडक्ट। मतलब बच्चे तो पहले से अपने अच्छे थे ही, यस, उनको चाहिए था बस एक प्लेटफॉर्म। तो हर जगह यदि इन हाई स्कूल के बच्चों को प्लेटफॉर्म मिलेगा तो हर स्कूल में, हर जगह पर ये बच्चे मचा सकते हैं और कुछ नया चीज लाके देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए बना सकते हैं। मैं समझ रहा हूँ। यस, ठीक है। उसके बाद आपकी जर्नी आगे चली, कितने साल की जर्नी थी, कितने दिनों की जर्नी थी, ये भी व्यूअर्स को बताएंगे। कहने को चाहे तो एक साल की जर्नी थी इन द प्रोसेस ऑफ रोवर मेकिंग, बट उससे भी पहले हमारी जर्नी स्टार्ट हो गई थी जब हमने रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया, व्हेन वी स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग हाउ द रोवर चैलेंज इज एग्जैक्टली अबाउट एंड हाउ टू कॉम्पीट ओवर दैट टू विन। मतलब पहली जो आपकी फेज आई वो डिस्कवरी फेज। डिस्कवरी फेज, यस, कि हम जाने की यार एक्चुअली करना क्या है, व्हाई क्या है यार, कैसे करना है, क्या व्हाई व्हाट एंड हाउ, ऑल दिस क्वेश्चंस आंसर करने के लिए, क्योंकि वी आर नॉट सपोज्ड टू पार्टिसिपेट ओवर देयर बट वी आर सपोज्ड टू विन ओवर देयर। So to understand that, तो हमें ये एक अलग स्पिरिट थी। Yes. हम सोचते थे कि हमारे बच्चे जाके पहले एक बार पार्टिसिपेट तो करें, जीतेंगे बाद में। लेकिन बच्चे इतने धासु थे और इतना उनका लेवल था कि वो पहले से ही सोच रहे हैं जाएंगे तो इसी बार जीत के आएंगे। Yes. कि फर्स्ट टाइम हमें पार्टिसिपेट करने का अगर चांस मिलता है, क्योंकि उससे पहले इंडिया में कोई हाई स्कूल स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट नहीं किए थे। मतलब पहली अंडर 19 टीम बनी जिसका रिपोर्ट जो था वो सिलेक्ट हुआ था बाय नासा। एंड अगर वो सिलेक्ट होता है देन व्हाई नॉट टू विन ओवर देयर इन द फर्स्ट अटेम्प्ट। एग्जैक्टली। सो दैट वाज द रियल जोश कि हमारे फुल टीम में था, टीम में था। एंड हम लोगों ने रोवर का रिपोर्ट बनाना स्टार्ट किया एंड देन वी सेंड इट टू नासा एंड वी क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बीइंग द फर्स्ट इंडियन टीम जो कि हाई स्कूल कैटेगरी में पार्टिसिपेट करने के लिए चांस मिला। जब हम लोगों ने आपको सिलेक्ट किया था, आपके पूरे टीम को सिलेक्ट किया था, तो ये पूरी जो एक्सपीरियंस था, जैसे आपके लिए नया था वैसे हमारे लिए भी नया था। हम भी चाहते थे कि 2015 में हमने जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल्ड किया था तो हमारे दिमाग में भी ये था कि यार ग्रासरूट से बच्चे भी निकल के वहाँ पे पहुँच सकते हैं। यदि फलाने एक अच्छे से स्कूल का बच्चा, अंग्रेजी बोलने वाले स्कूल का बच्चा यदि जाके वहाँ पे पहुँच सकता है तो गाँव का बच्चा भी पहुँच सकता है और हमारे उड़ीसा से भी बच्चा निकल सकता है। और इसीलिए हमने तो 2015 में सपना देखा था और साकार आप लोगों ने किया 2021 में इसको किया। तो इस पूरे दौरान में हम भी बहुत सारी चीज सीखे और आपने भी बहुत सारी चीज सीखी। तो इसलिए मैं जानना चाहूंगा कि आपके टीम में किस जो मेंबर्स थे उनके बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा व्यूअर्स को बताइए कि वो कैसे बैकग्राउंड से आए थे और आपने इस टीम को कैसे एक साथ रखा और डिलीवर किया। क्योंकि कुछ बच्चे स्कूल से थे, भुवनेश्वर के स्कूल से थे, कुछ बिल्कुल रूरल जगह से थे, तो इन सबको एक साथ आपका कैसे सिंक कैसे हुआ, कैसे एक साथ तालमेल बैठा और आपने इस चीज को डिलीवर किया। हम लोग एम्पैथी के बारे में बात करते रहते हैं, स्पीचेस सुनते रहते हैं, बट एक्चुअली क्या हाई स्कूल स्टूडेंट्स एम्पैथी समझते हैं वो एग्जाम्पल हम लोगों ने अपनी टीम में देख लिया। हमारी टीम में वी हैड पीपल फ्रॉम लाइक कैलाश भैया, ही वॉज अ साइकिल मैकेनिक सन, तो वो बहुत ही रूरल बैकग्राउंड से आ रहे थे एंड हम सबसे, मतलब मुझे बाकी लोगों से थोड़ा डर था कि हाउ विल दीस पीपल कोप विद कैलाश भैया, क्योंकि वो उनके अलग डोमेन से आ रहे थे। सो मुझे कुछ बोलना भी नहीं पड़ा, दे कोप अप विद देम सो वेल, दे एम्पथाइज्ड विद हिज फैमिली बैकग्राउंड, दे हैड अ वेरी क्लोज बॉन्ड, एक दूसरे को खाना खिला देते, दे हैड अ वेरी वेरी फ्रेंडली एटमोस्फियर। सोशल बैरियर, मैं कहूँ तो सोशल बैरियर एक हट गया था। यस, बिकॉज ऑफ द डिस्कशंस दैट वी हैड, द राउंड टेबल में बैठा के जो सबके साथ जो डिस्कशन होता था, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी, सबको इक्वल स्टैंड, इक्वल पावर्स, सो दैट दे कैन स्पीक अप देयर ओपिनियंस, दे कैन डिलीवर देयर डिसीजंस टू द होल टीम एंड एवरीवन वाज गिवन द इक्वल अपॉर्चुनिटी। इधर कोई छोटा नहीं था, कोई बड़ा नहीं था,
ये इधर वो लोग पहुंचे थे अपने कैलिबर पे। तो मतलब कहने का अर्थ यही है कि हर बच्चे का अपना स्टैंड था, हर बच्चा अपने आइडियाज अपने व्यूज को टेबल पे रख सकता था, और इस कारण जो सबसे अच्छे आइडियाज थे वो बाहर निकल के आते थे, और यहाँ पे डिस्कशन होता था, डिबेट होता था ऑन ए टॉपिक कि यार ये बनाएंगे तो क्यों बनाएंगे। उसमें हर बंदा अपना ओपिनियन बताएगा और जो सबसे अच्छा होगा टीम के लिए उसको सिलेक्ट किया जाएगा, और एज ए टीम वी वॉन्ट, नॉट एज एन इंडिविजुअल। यस, तो एज ए टीम दिस एंटायर सेट ऑफ 10 स्टूडेंट्स वर्क्ड, और जैसे बैकग्राउंड के बारे में हमने बताया, तो उस बैकग्राउंड से भी बच्चे जब वहां पे गए तो आज देश का हर गांव का जो लड़का है वो सपना देख सकता है कि यार यदि वो जा सकता है तो मैं क्यों नहीं। एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगा, मेरे ही कुछ गांव में जब दोस्त लोग हैं वो कैलाश भैया का वीडियो देख के बोलते हैं कि अगर वो कर पा रहे हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते, आप हमें भी एक अपॉर्चुनिटी दीजिए, आप हमारे लिए भी एक एकेडमी या फिर इंस्टीट्यूशन, एक ऑर्गेनाइजेशन हमारे गांव में कीजिए, सो दैट हम भी वैसे उनके तरह कुछ कर सकें और देश को कुछ अच्छा नाम दे सकें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ऋषि ने जैसे बताया कि गांव में सेट करना, और ये तो अभी एक खुशखबरी ये भी है कि यंग टिंकर अभी 40 से ज्यादा गांव में यंग टिंकर स्पेस को डेवलप कर चुका है, तो आज नहीं तो कल हम पूरे इंडिया में पहुंचेंगे जहाँ पे हर गांव का बच्चा, उसको प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो यदि सपना देख रहा है तो वो भी सपना साकार कर पाएगा। एक कैलाश नहीं 1000 कैलाश निकलेंगे, एक ऋषि नहीं 1000 ऋषि निकलेंगे। तो सपना देखने का सबको हक है, और सपना साकार करना हमारा काम है कि हम कैसे उन सपनों तक लोगों को लेके पहुंचे। आगे यदि अभी हम लोग बात करें कि वो जो मैन्युफैक्चरिंग की बात थी, तो उस पूरी चीजों को मैन्युफैक्चर कैसे किया गया, पूरे रोवर को हमने जब मैन्युफैक्चर किया था तो उस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा लोगों को बताइए। मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग पहले हमारे जो डिफरेंट पार्ट्स थे उसको 3D में कन्वर्ट किया गया था। 3D को हम लोग देते थे, लाइक फॉर एग्जांपल नकल्स हो गए, हब्स हो गए, जो कि व्हील के एक मेजर पार्ट्स रहते हैं, तो उसको वी हैड टू गिव इट टू द वेंडर्स जिधर 6-axis CNC कटिंग हो सकता है, लेजर कटिंग्स हो सकते हैं, तो उधर वो सॉलिड मेटल्स को लेके कट करके देते थे। तो इट वाज अ प्रोसेस ऑफ फ्रॉम 3D से मैन्युफैक्चरिंग में द कटिंग मशीन्स, द लेजर कटिंग मशीन, CNC कटिंग मशीन्स, एंड देन वो कुछ आते थे, कुछ प्रोडक्ट्स आते थे रेडी टू इंस्टॉल प्रोडक्ट्स। अदर देन दैट हमारे मैन्युफैक्चरिंग में वी हैड प्रोडक्ट्स, दोज कैन बी द पाइप्स, उसको वेल्ड करना, उसको फिट करना। देन वी हैड अ वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी सम पार्ट्स ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम लोगों ने डिफरेंट पार्ट्स लाइक कार, ऑटो, बाइक्स, उनके पार्ट्स को लेके हम लोगों ने कुछ जुगाड़ किया, देसी जुगाड़ वी कैन से। तो मतलब मैं कहना चाहूँ कि आज हमारे जो स्कूल के जो बच्चे हैं ये अब CNC मशीनिंग, 3D प्रिंटिंग, CAD डिजाइनिंग, ये सब स्कूल में ही सीख ले रहे हैं ड्यू टू द एकेडमी। हाँ, क्योंकि उस समय कोविड ने हमें दिखा दिया कि अभी स्कूल तो नहीं चल रहा है, लेकिन इन बच्चों ने स्कूल में रहते रहते 9th से 12th तक के बच्चे, इन लोगों ने CAD डिजाइनिंग सीख ली, 3D प्रिंटिंग सीख ली, उसके बाद इन लोगों ने CNC करवाई, वहां पे लेजर कटिंग सारी करवाई, वेल्डिंग कर डाली, पूरा एक व्हीकल बना दिया। तो इनने इतनी बड़ी काम कर दिया जो पहले हमें लगता था कि हमारे स्कूल के बच्चे नहीं कर सकते। तो इतनी बड़ी मशीनरी आपने कैसे बना दी, हमारे दर्शकों को बताइए। उसको एक बड़ी कोई भी प्रोडक्ट बनाने से पहले उसको हम छोटे सेक्शंस में डिवाइड करते हैं बिफोर असेंबलिंग इट टू द होल बिगर प्रोडक्ट। चंक्स में आपने डिवाइड कर दिया। बिल्कुल, कि भैया ये यदि पूरा रोवर है, वी हैव सस्पेंशन ओवर देयर, वी हैव फ्रेम्स, हमारे पास व्हील हब है, लाइक हब हो गया, व्हील हब्स, जिसको आप इसको आपने जो CNC करवाई थी, CNC करवाई थी, हां जी, देन हमारे पास द फ्रेम, द चेसी ऑफ द होल रोवर, चेसी जो बनाई गई, फाउंडेशन, चेसी के ऊपर फिर बहुत सारी डिजाइन थिंकिंग भी हुई थी उस समय, जो मेरे को डिफरेंट फ्रेम्स के ऊपर कौन-कौन से फ्रेम्स बना सकते हैं, दूसरे इंटरनेशनल टीम्स क्या कर रहे हैं, हम उनसे बेटर कैसे कर सकते हैं, एंड हमारे मोस्ट इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जिसमें ड्राइव ट्रेन था हमारा, डिफरेंट सेट ऑफ गियर्स यूज करके चेन के साथ हम कैसे उसको लगा सकते हैं, एंड गाड़ी उससे मूव करेगी। बेसिकली हमारा इंजन था ये फॉर द होल रोवर, तो इसमें हमारा मेजर इनोवेशन था, सो दैट ये जब फोल्ड होता है, हमारा रोवर फोल्ड हो सकता है, बट ये जब फोल्ड अनफोल्ड होता है तो चेन गियर से निकले नहीं, सो उसके लिए हमने इनोवेशन, वी हैड अ इनोवेशन ओवर देयर। हमारे पास देन सीट्स रहा, देन वी हैड द स्टीयरिंग मैकेनिज्म, ये सब चीजों को लाइक समझने के लिए हम लोगों ने इसको सब सेक्शंस में डिवाइड किया, एंड वी केप्ट ऑन डिफरेंट डिफरेंट पीपल फॉर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो ये सबसे बड़ी बात है इस टीम की,
कि भैया R&D भी कर दिया और मैन्युफैक्चरिंग भी कर दिया, और इसको करने के पीछे इन लोगों ने बहुत सारी तमाम चीजों को सीखा कि भैया चंक्स में कैसे डिवाइड करना है टीम्स को, हर टीम मेंबर को कुछ ना कुछ असाइन कर दिया है, यदि कोई एक टीम मेंबर भी यदि ढंग से काम नहीं करता है तो आपका रोवर नहीं बनेगा। तो ये जो मैनेजमेंट के जो लेसन्स आज हम जाके मैनेजमेंट कॉलेजेस में पढ़ते हैं, स्कूल्स में पढ़ते हैं, ये सब इन लोगों ने इसी एक टीम में सीख लिया, इसी एक प्रोजेक्ट ड्रिवन लर्निंग में ये सारी चीजों को इन लोगों ने सीख लिया। तो ये पूरी फिर वैसे आपकी हमारी रोवर वहां पे बन गई। तो नासा के साथ जो प्रेजेंटेशंस होते थे उसमें बताइए कि यार वो लोग क्या बोलते थे। द मोस्ट अवेटिंग मोमेंट्स था हमारा जब, क्योंकि हम लोग तो प्रोडक्ट बना तो रहे हैं, उनको सामने जो जिनको जिनको जिनके लिए बना रहे, क्या वो सैटिस्फाइड है, आर दे हैप्पी, आर दे ओके विद द रिसर्च दैट वी आर डूइंग। तो हम जब प्रेजेंट करने जाते थे वी हैड गॉट रियली पॉजिटिव रिस्पॉन्सेज जो हम लोग दूसरे टीम से नहीं सुन सकते, क्योंकि वो लोग दे यूज टू एडमायर द वे वी प्रेजेंट, द वे वी डू आवर प्रेजेंटेशन स्लाइड्स, एंड द रिस्पॉन्सेज दैट दे गिव आर रियली रियली पॉजिटिव। जब हमें सेकेंड या थर्ड प्रेजेंटेशन हो चुका था हमारा, थर्ड रिव्यूज हो सके थे, मतलब हमारे इसमें 3 से 4 बार हमारी मीटिंग हो गई थी नासा के साथ मीटिंग हो गई थी। तो जब हमारा थर्ड प्रेजेंटेशन हो गया था तो ऑलमोस्ट हमें सबको लगने लगा था कि हाँ अभी कुछ तो होने वाला है, अच्छा कर चुके हैं, और ये बिल्कुल एक कॉन्फिडेंस आता अंदर से कि भाई अब तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, अब तो बिल्कुल करके दिखाएंगे, अब बहुत कुछ हो गया है। तो ये एक बड़ा एक सही मोमेंट जीवन में आता है, सही है। फिर और प्रेजेंटेशन में भी जब होता है तो जो स्लाइड्स बनी थी हमारी और जो प्रेजेंटेशंस की जो स्किल्स थी ये भी कितनी डेवलप हुई थी। एकेडमी से हम लोग ने, आप जैसे मेंटर से हम लोग ने सीखा कि हाउ दिस प्रेजेंटेशंस शुड बी डिलीवर्ड सो दैट वी आर कंपेयरिंग अदर डिजाइंस एंड इवन पॉजिटिव्स भी दिखा रहे, एट द सेम टाइम हमारे में क्या इनोवेटिव है एंड हाउ इट्स मोर पॉजिटिव देन द प्रीवियस डिजाइंस। दैट वाज द मेजर एडवांटेज दैट क्लिक्ड अस टू मेक द पर्सन अंडरस्टैंड कि हाँ हमारे पास भी कितना इनोवेटिव प्रोडक्ट है एंड हाउ वी आर बेटर देन अदर टीम्स दैट आर कंपीटिंग। इतने सालों से रोवर चैलेंजेस हो रही हैं तो इतने सारे रोवर्स हमारे जजेस ने पहले से देख रखा था, उसमें से निकालना कि यार इसमें ये फ्लॉज हैं और हमने इसको ऐसे, इस प्रॉब्लम को हमने ऐसे एड्रेस किया है, व्हिच वाज डिफिकल्ट, और लेकिन हम लोगों ने करके दिखाया तो बड़ा मजा आया। उसके बाद प्रेजेंटेशंस में भी उन लोगों ने, इनफैक्ट एक बार नासा के लोगों ने बताया, इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर फर्स्ट में, या द मोस्ट मेमोरेबल मोमेंट ऑफ अस। तो नासा के जजेस ने यदि हमारी टीम को यदि ऐसा बताया कि इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर पार्टिसिपेटिंग, दैट इटसेल्फ मींस अ लॉट, क्योंकि पहली बार में इतनी चीजों को किया गया। तो इसके पीछे का तात्पर्य यही था कि पूरे बच्चों ने लगन से काम किया था, पूरे प्रोसेस को एंजॉय किया था, और पूरे स्किल्स को उन लोगों ने एक टीमवर्क, द टीमवर्क दे एवरीवन फॉलोड अप, सारा टीम एक साथ था, सारी चीजें। ये तो हो गई नासा की बात, उसके बाद ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, मेजर पार्ट था हमारा। तो ये जो सारी जो चीजें हैं दिस इज वेरी मच रिक्वायर्ड, ब्रांडिंग हो गया, मार्केटिंग हो गया, सोशल मीडिया हो गया, नॉट टू मिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द स्टेम एजुकेशन पार्ट हो गया, इसमें हर चीज इनफैक्ट हम लोगों ने सीखा। मतलब अब हमारे बच्चों को पता है कि यार एक एंटरप्राइज को कैसे रन करना है, यदि सोशल मीडिया में लिखना है तो क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्या हैशटैग करना है, मेल लिखना है तो कैसे लिखना है, कहाँ मेल में नीचे आपका ब्रांड दिखना चाहिए, वो सारी चीजें हो गई। मार्केटिंग हो गया तो कैसे करना है, मीडिया वालों को कैसे लिखना है, इन द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस ऑल दिस 10 स्टूडेंट्स हैव इज ट्रेमेंडस, क्योंकि इन लोगों ने हर चीज को खुद से किया है, इट इज नॉट वी Who did the thing? Admin was just admin में हम लोग सिर्फ और सिर्फ mentoring करते थे और कुछ नहीं। They did the entire work. तो इसके बाद ऋषि बताइए कि जो winning moment था हम लोग का, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि मतलब उसके जैसे ही हम लोगों ने बना दी, हमारे सारे presentations खत्म हो गए, I think 10 दिन और बाकी थे results के लिए। Last 10-15 days. 10 दिन तक था और रोज मेरे को mails आता था, almost every day I used to get their mails कि सर आज डर लग रहा है, सर डर लग रहा है, सर डर लग रहा है। तो मैंने बोला कि देखो भाई ITJEE का एग्जाम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपने स्किल सीख लिया है, जीतोगे या हारोगे वो मैटर नहीं करता, बट उन्हें लॉन्ग टर्म आप लोग जीतोगे, क्योंकि आपके पास भैया स्किल्स है, जिसने एक बार स्किल्स रख लिया अपने पास वो बहुत आगे जाएगा,
आपको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, सेल्स ये सब पता है, डिजाइन, टेक्निकल डिजाइन करना है, प्रोडक्ट कैसे बनाना सब पता है, जो दूसरे वाले बच्चों को नहीं पता है। तो एडेड बेनिफिट्स आपके पास आज से ही है, तो कल आप जीत रहे हो। लेकिन फिर एक दिन पहले भी फिर आया कि सर हमको हम लोग का आई विल ऐड द स्टोरी। सो हम लोग सब आपसे बात करना चाहते थे बिकॉज हम सब डरे हुए थे, सब लोग डरे हुए थे, कोई रो रहा था, कोई खा नहीं रहा था, सब लोग डरे हुए थे। द रीजन बिकॉज दे वर टेंसड अबाउट द रिजल्ट्स ऑफ द बिग इवेंट बिकॉज दे हैड गॉट अ लॉट ऑफ होप्स, दे हैड ऑलरेडी डन अ लॉट ऑफ गुड जॉब। नासा से वो जो रिमार्क्स थी, पॉजिटिव रिमार्क्स थी, इज इट फॉर द फर्स्ट टाइम यू आर रिप्रेजेंटिंग द कंट्री और समथिंग। एंड तब एक पॉजिटिविटी आपसे मिली, वी अंडरस्टूड कि लॉन्ग टर्म में हाउ इट्स इंपॉर्टेंट। सो इन अकेडमी वी ऑल्सो लर्न द लाइफ लेसन्स इमोशनली कि कैसे टू डील विद प्रेशर, हाउ टू डील इन दिस टेंस सिचुएशंस, एंड वी गॉट टू अंडरस्टैंड कि ओके हाउ वी कैन कंप्लीटली डील विद दिस सिचुएशंस। आफ्टर दैट द नेक्स्ट डे वी हैड द रिजल्ट्स आउट अपकमिंग इन अराउंड 8:30 एट नाइट। एंड सो 8:30 को उस दिन ये लोग सब आके गांव में पहुंचे थे, तो फाउंडेशन का जो गांव में जहां पे मैं खुद रह रहा था वहां पे ये लोग सब आ गए कि सर हम लोग सब लोग आज वहीं पे मिलेंगे। तो रात को पहुंच गए आके 6-7 बजे आके पहुंच गए और सब लोग वहां पे स्क्रीन पे बैठ के देख रहे हैं। अब आगे वाली स्टोरी मैं बताऊंगा क्योंकि ये नहीं बताने वाले अच्छे से। तो सब तो 7 बज गया, ये लोग सब लोग आके वहां पे देखने लग गए हैं कि अब रिजल्ट आने वाला है, और वो फिर स्ट्रीम वहां से शुरू हो चुका है, जूम स्ट्रीम था अपना, वहां पे स्ट्रीम होना शुरू हो चुका है। पहले पहले अवार्ड जब आना शुरू हुए तो सही बोलो तो फट गई थी बिल्कुल, क्योंकि नाम ही नहीं आ रहा किसी में। पहले वो साइड वाली चीजें होती हैं, स्पेशल डिजाइन अवार्ड, स्पेशल ये अवार्ड, फिनिक्स अवार्ड, पता नहीं क्या क्या, ऐसे बहुत सारे अवार्ड थे, किसी में नाम नहीं। बीच में आया वीडियो, पहले वीडियोग्राफी अवार्ड, सेकंड लास्ट में आया वीडियोग्राफी अवार्ड। तो उस पे जैसे ही उन लोगों ने नाम बोला है, अभी यंग टिंकर फाउंडेशन है, तब नवोन्मेष प्रसार फाउंडेशन था, वो नवोन्मेष बोले हैं, वो सब कूद गए, कूद के फिर सब सेटल हो गए। लेकिन फिर उनके दिमाग में चल रहा है, इतनी अच्छी डिजाइन बनाई, इतनी अच्छी प्रोडक्ट बनाई, हमको सिर्फ और सिर्फ वीडियोग्राफी अवार्ड दिया है, हमारे पास हाईएस्ट एजुकेशन था, सोशल मीडिया पे भी हमारे पास हाईएस्ट था, सब रिपोर्ट्स में सब पॉजिटिव रिमार्क्स, सारे रिपोर्ट्स अच्छे बना दिए, सब अच्छा बना दिया। अरे भैया हमको साइड अवार्ड एक मिला, और ये उसके बाद आया थर्ड प्राइज की बारी, और फिर वहां पे फिर से हमारे फाउंडेशन का नाम आया, और फिर जो कूदे हैं ये लोग उसके बैठे नहीं है, इनको नेक्स्ट आधे घंटे के लिए पता ही नहीं कि दुनिया के किस कोने में। I will start with the third place winner. Third place winner is Namon Mae. Yeah!